स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायनेमो। डायनेमो बेसिकली डायनेमिक मैनेजमेंट ऑफ एच बेस का डायनेमिकली कैसे मैनेज करता है, दिस इज ए डायनेमो। डायनेमो जो है वो अलाव करता है यूजर्स को बहुत सारा डेटा स्टोर और रिट्रीव करने के लिए, किसी भी टाइम, कैसे भी, कोई भी ट्रैफिक हो, कैसे भी अमाउंट का ट्रैफिक हो, वो हैंडल करता है। सो विच कैन से जो डायनेमो अलाउज यूजर्स टू क्रिएट डेटाबेस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, मतलब ये अलाउ करता है यूजर्स को डेटाबेस को स्टोर करने के लिए और उसको रिट्रीव करने के लिए। सो हमने कहा कि जो डायनेमो है वो यूजर कैसे भी डेटा को क्रिएट करे, कितना भी डेटा हो, किस तरह से स्टोर करना है, उसको रिट्रीव करना है, कितना भी डेटा हो उसके लिए यूज किया जाता है डायनेमो का। एंड हियर वी कैन से ऑल्सो इट्स कैन एनी टाइप ऑफ अ सर्व ट्रैफिक, यानी किसी भी टाइप का ट्रैफिक होता है उसको हैंडल करने के लिए और उसके हैंडी उसको कैसे हैंडी यूज कर सके। सो दिस इज यूज फॉर द योर डायनेमो। इट इज डायनेमिकली मैनेज ईच कस्टमर, ये हर कस्टमर के साथ डायनेमिकली मैनेज करता है क्योंकि ये कस्टमर के रिक्वेस्ट पे कैसे प्रोवाइड होता है, कस्टमर के रिक्वेस्ट पर। सो इसलिए ये जो मैनेज होता है वो डायनेमिकली जब कस्टमर रिक्वेस्ट करता है, हाई कोप कब्स होता है, हाई परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा। सो आकर आपका ट्रैफिक सर्वर्स वो हाईली परफॉर्मेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा सर्वर का, सो आपका जो हाईली परफॉर्मिंग ट्रैफिक सर्वर्स है वो आपके ईच कस्टमर यानी हर कस्टमर का जब रिक्वेस्ट आता है उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, मैनेज होता है हर कस्टमर के साथ। इट इज फुल्ली मैनेज्ड ऑफ नो एसक्यूएल डेटा, ये पूरी तरह से नो एसक्यूएल डेटा के साथ मैनेज होता है। दैट इज अ सर्विसेज विच इज अ फास्ट and predicted in terms of performance, predicted होता है in terms of performance. So I can say ये fully managed होता है NoSQL database services जो है इसकी fast होती है और इसका performance जो होता है वो scalable होता है। So this is your dynamo. ये relies होता है means trust कर सकता है, because it relieves as in trust of the user from the administrative bundles of operating. So, जो ऑपरेटिंग है इसका, ऑपरेट कैसे करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग होता है बर्डन ऑफ द यूजर्स के साथ, एंड दैट इज अ स्केलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ ही ऑपरेट करना और उसको अलाव करना यानी ऑपरेट करना, साथ ही ये हार्डवेयर्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, या प्रोवाइजिंग करना या आपका पैचिंग करना सॉफ्टवेयर्स का, क्लस्टर्स का, स्केलिंग का। सो दिस इज फॉर द डायनेमो। सो कैन समराइज कि ये रिलीव्स होता है द यूजर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव से बर्डन्स ऑफ ऑपरेटिंग, बहुत सारे जो ऑपरेटिंग्स होंगे, स्केलिंग्स होंगी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के साथ, तो यूजर जो कि नहीं, मतलब या यूजर जो हार्डवेयर उसको हैंडल नहीं कर सकता है, सो उसको इजिली उसके क्लस्टर क्रिएट करके या उसके सॉफ्टवेयर पैचेस करके हम ये क्या करता है, यूजर्स को हेल्प करता, प्रोवाइड कराता है। इट इज ऑल्सो एलिमिनेट्स द ऑपरेशनल बर्डन, ये ऑपरेशनल बर्डन को कम करता है और कॉम्प्लेक्सिटी जो उसमें इन्वॉल्व हो रही है या जो डेटा रेस्ट में है या इंक्रिप्शन डेटा जो रेस्ट में है उसको क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स करा देता, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम कर देता है, यानी कि उसकी प्रोटेक्टिंग या सेंसिटिविटी को ये प्रोवाइड कराता है। सो ये था हमारा डायनेमो विच इज मैनेज्ड बाय अ डायनेमिकली फॉर द बेसिकली यूज फॉर द यूजर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना।